ये फतेहपुर आ गए हम लोग, फतेहपुर सिकरी, ये राजबाड़ी है। ये देखें राजबाड़ी के बाद ये सिकरी में आ गए हम लोग, ये फतेहपुर सिकरी है। दीवानी खास है, फतेहपुर सिकरी है, बहुत बढ़िया जगह है। आप कभी आगरा आए तो जरूर एक बार फतेहपुर सिकरी में आना, ये अकबर का जगह है। फतेहपुर ऊपर में जो है आ गए हम लोग, यह अकबर का रसोई खाना, यह खाना बनाते हैं, यह रसोई खाने का दरवाजा। ये जो बिल्डिंग है ये जोधा भाई का, जब ठंडे का मौसम है तब इधर रहते हैं और जब गर्मी का मौसम है तो अलग जगह दिखा रहा हूँ, गर्मी का मौसम है तो यहाँ रहते हैं, ये अलग अलग रहते हैं हम। जोधा भाई का महल, ये अकबर का मरियम का महल, ये दो और गए हैं फतेहपुर सिकरी में। ये है बासैयर, अब देखो अभी हम अंदर जाएंगे बासैयर के। ये है बुलंद दरवाजा, ये है अकबर का परिवार का समाधि स्थल है। दुर्गा के साइड में है वो है बुलंद दरवाजा, पहले जो दरवाजे मैंने घुसा है वो शाही दरवाजा है, ये है वो शाही दरवाजा जहां से अकबर आती जाती थी। ये अंदर भी अकबर का परिवार का समाधि स्थल है।
ये है द्वारका। ये द्वारका आएगा तो प्रार्थना करेंगे, किसी को बताना नहीं है। ये द्वारका के साइड में है, द्वारका के अंदर बाएं तरफ मैंने घुसा है। ये फतेहपुर सिकरी मस्जिद, ये मस्जिद के बाएं तरफ जो देख रहे हैं ये बुलंद दरवाजा, ऐसे पब्लिक आते हैं। हम दरगाह के ऊपर खड़े होकर फोटो खींचे, वीडियो कर रहे हैं। ये रॉयल गेट है इस तरफ, ये द्वारका है सफेद वाला, जो ये द्वारका है। ये है बुलंद दरवाजा की, बुलंद दरवाजा आ गए मैंने, ये है बुलंद दरवाजा। ऊपर से फतेहपुर सिटी आ रहे, इस सिटी को देखने को मिलते। हम अभी बुलंद दरवाजे के बाहर है, बुलंद दरवाजा के ऊपर छत के ऊपर जो दिखाए जा रहे वो है ये जो बादशाही दरवाजा, इसको रॉयल गेट भी माना जाते हैं। इधर से बादशाह आते हैं और बुलंद गेट जो दिखाया उसमें से पब्लिक आते जाते हैं। पूरा फतेहपुर का है ये, गुरुवाड़ी है, गुरु का घर है। द्वारका है, ये मस्जिद है। अभी सड़क के बीच में मैं हूँ, ये दाहिने तरफ जो देख रहे हैं ये सिकरी है, गुरु का घर। बाएं तरफ जो है ये फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर मिलाकर फतेहपुर सिकरी बोलते हैं इसको। ये सिकरी ऑटो स्टैंड, पर्सनल कार ऑटो सभी स्टैंड कर दिए जाते हैं, बस यही पेट्रोल खत्म करते हैं।